हेलो दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों हमारे पास एफ एन डी का ये जो आया होम थिएटर आया है, तो मैंने सोचा दोस्तों इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए, जो कि हमारे इसमें पूरी सप्लाई दोस्तों इसमें जल चुकी है। ठीक है, तो पूरी सप्लाई हमारी इसमें जल चुकी है। तो दोस्तों हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं जो सी हमारी सप्लाई है, क्योंकि हमारा बिल्कुल भी करंट आगे फ्लो नहीं हो रहा है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, अभी मैं आपको बताता हूँ। एक जुगाड़ है इसमें जो कि हम इसमें कर सकते हैं, जो कि दोस्तों यहाँ पर हमारा एसी वोल्टेज के इस ये है हमारी पिन टर्मिनल जो रहती है हमारी एसी वोल्टेज की। तो दोस्तों अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी अच्छे से समझ में आएगा। और गाइस हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कर रखा तो बहुत अच्छी बात है। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जैसा कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड न्यू वीडियो मिलती रहे डेली। तो दोस्तों हम अलग अलग टॉपिक पर वीडियो रोज की दोनों चैनल पर डालते रहते हैं, एक तो एसके इलेक्ट्रॉनिक वर्क है, एक मेरे वाला चैनल है दोस्तों जिस पर आप देख रहे होंगे एक इलेक्ट्रॉनिक वर्क। तो दोस्तों बहुत सारी वीडियो हो चुकी है हमारे भी चैनल पर, तो दोस्तों आप देख सकते हो वीडियो जितनी भी हमारी सारी इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है और पंखे से रिलेटेड है, कि हमारे पंखे के कनेक्शन बहुत सारी है। तो दोस्तों मैं अब आपको दिखाता हूँ, जैसे कि अभी इसमें एसी सेक्शन मैंने वो लगा लिया प्लग इसका, तो आप देख सकते हो अभी यहाँ पे मैंने अभी बंद कर रखा है दोस्तों, अभी हमारी बिल्कुल भी कुछ भी रीडिंग नहीं आ रही है। ठीक है, तो अब मैं इसे चालू करके दिखाऊंगा। जैसे कि हमारा ये नीचे की तरफ से बंद है, जो चटकनी रहती है इसमें नीचे की साइड, वो वाली हमारी बंद है। तो दोस्तों मैं इसमें चालू करके दिखाता हूँ और अब वोल्टेज दिखा देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ से चालू हो चुकी है, तो यहाँ से बनती, इस वजह से हमारी रीडिंग बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। तो दोस्तों आप देख सकते हो एसी वोल्टेज पे मैंने मीटर को लगा रखा है और 200 के करीब, 230 के करीब आ रही है। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल भी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है, जो कि आप देख पा रहे यहाँ पर हमारी बिल्कुल जल चुकी है SMDI जो रहती है हमारी ये रेजिस्टेंस। अगर आपको रेजिस्टेंस का नंबर पता हो तो उसकी जगह वो वाली रेजिस्टेंस लगा सकते हो, अगर नहीं पता है तो, अगर बिल्कुल जल चुकी है तो ये वाला आप काम कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारी बिल्कुल भी हमारे यहाँ पे नहीं आ रही है वोल्टेज, जो कि हमारे यहाँ पे सीरीज और पैरेलल में जो हमारे कैपेसिटर लगे रहते हैं, यहाँ पे हमारे बिल्कुल भी नहीं आ रही है। ठीक है, तो अब हमें क्या काम करना होगा दोस्तों, जो कि हमारी ये वाले चार कैपेसिटर हैं, यहाँ पे हमारे चार कैपेसिटर रहते हैं, तो चारों पे कोई से पे भी हमारी रीडिंग नहीं आ रही है, जो कि वोल्टेज हमारी आती है हमारी 200-250 के करीब आती है। 1000 पे भी हम चेक करेंगे तो उस पे भी हमारी 250-300 के करीब वोल्टेज आती है। तो दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें सप्लाई लगानी पड़ेगी, जो कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों सप्लाई। तो हमारी 012 की ये हमारी सप्लाई है, जो कि मैंने इसमें वायर के कनेक्शन कर रखे हैं। तो ये हमारे 012 की, ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ, तो दो सप्लाई है 012 की। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें करना क्या है, इसमें 012 बनाने, 012 बनाने। वो कैसे बनाने हैं दोस्तों, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सीधा हम पहले सीधा इस पे एसी वोल्टेज पे लगाएंगे, जब हमारी एसी वोल्टेज आ रही थी, तो एसी वोल्टेज पे लगाने के बाद फिर आपको क्या काम करना पड़ेगा, अभी मैं इसे पहले इसे लगा के दिखा देता हूँ दोस्तों, जो कि हमारे एसी के कनेक्शन कैसे होने हैं। तो दोस्तों दोनों के उसमें प्लस का वो जो हमारे एसी में तो कोई प्लस माइनस रहता नहीं दोस्तों, कोई से भी वायर कोई से भी ले सकते हो आप, वैसे रेड वाला रेड पे लीजिए और ब्लैक वाला ब्लैक पे। ठीक है, जो कि हमारे एसी वोल्टेज पे। तो दोस्तों हमने यहाँ पे कनेक्शन कर दिए हैं इसके एसी वोल्टेज के। अब आपको क्या काम करना पड़ेगा इसके बाद, जो कि हमारे सीरीज में और पैरेलल में जो दोस्तों ये वाले रहते हैं कैपेसिटर, इन पर हमें वोल्टेज इस पर पहुँचानी है। वो कैसे पहुँचानी है दोस्तों, अभी आपको दिखाता हूँ। ये हमने कनेक्शन कर दिए हैं और कनेक्शन करने के बाद अब जो हम दिखाएंगे, आप इसकी जगह चाहे 12012 की जगह आप ट्रांसफार्मर भी लगा सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको सप्लाई का रिक्वायरमेंट करूंगा, क्योंकि सप्लाई सबसे अच्छी बेनिफिट रहता है, क्योंकि इस वजह से कि हमारी हमिंग नहीं आती है। तो दोस्तों हमिंग की वजह से हम इसमें सप्लाई लगाते हैं SMPS सप्लाई, जो कि 12 वोल्ट की रहती है। तो दोस्तों हम इसे यहाँ पर लगा देंगे, तो मैं अभी यहाँ पे अभी मैं नहीं लगा सकता, क्योंकि पहले आपको चेक करा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आपको चेक करा के दिखाऊंगा, अभी मैं इन्हें बाहर ही रहने देता हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी जा नहीं रही है, मैं आपके बाद में इसे फिट कर दूंगा और फिर मैं अभी आपको साथ चालू करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों मैंने जैसे कि यहाँ पर रख रखी है, अभी मैं इसके कनेक्शन करके दिखाऊँगा। तो यहाँ पर हम इसे चिपका देंगे अच्छी तरीके से, बाद में जब इसके कनेक्शन पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि मैंने ये लगाए इसमें एसी वोल्टेज के वायर, एसी वोल्टेज के वायर लगाने के बाद अब यहाँ पे हमारे रहते हैं चार कैपेसिटर। ठीक है दोस्तों, किसी किसी में दो भी रहते हैं, जो उनसे कि हमारे ये वैसे वाले रहते हैं हमारे,
तो इसमें दोस्तों ये चार कैपेसिटर है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो चारों में से कोई से में भी आप लगा सकते हो, जैसे कि आपको दिखा रहा हूँ। तो प्लस वाला प्लस की जगह, माइनस वाला माइनस की जगह, ठीक है दोस्तों। ये प्लस है, ये माइनस है। तो ये प्लस और माइनस कैसे लगाना है आपको, यहाँ पर चार जो हमारे कैपेसिटर है मैंने दिखाए थे, दो कैपेसिटर पर उधर वाले जो अपोजिट साइड है दोस्तों, ये हमारे जंपर हो के हमारे यहाँ पे जा रहे हैं। जंपर नहीं दोस्तों, यहाँ पे हमारी लग रही है कॉइल, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कॉइल लग रही है, इससे हमारे सीधा जा रहे हैं कैपेसिटर पर, जो हमारे पिन जा रहे हैं 12 kV, प्लस 12 वोल्टेज, फिर माइनस 12 वोल्टेज। वो कैसे लगाने हैं दोस्तों, प्लस 12 वोल्टेज पे मैं अभी इस पे वायर लगा रहा हूँ, फिर हमें 0 पे लगाना है दूसरे वाला वायर, ठीक है दोस्तों। ये हमारे लग चुका है अच्छे तरीके से, फिर हम दूसरे वाले वायर को लगाते हैं और फिर दिखाते हैं दोस्तों इसे चालू करके, ठीक है दोस्तों। ये वाला भी हमारा लग चुका है, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, क्योंकि तो दोस्तों आप देख सकते हो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से लग चुका है। तो अब हम लगाएंगे रेड वाला। रेड वाला दोस्तों कैसे लगाना है आपको, अभी दिखाता हूँ दोस्तों मैं। उसमें भी हमारे प्लस की जगह प्लस और माइनस की जगह माइनस, वो वाला भी हमारा वायर ऐसे लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे प्लस और माइनस का हो गया, अब पहले वाली सप्लाई का हो गया दोस्तों। अब दूसरे वाली सप्लाई का, दूसरे वाली सप्लाई भी दोस्तों ऐसे लगानी है आपको, जिधर हमारा माइनस का था इसमें वो प्लस की जगह, और वो माइनस और प्लस ऐसे सेम ऐसे ही आपको लगाने हैं, ठीक है। तो इधर हमारा प्लस है, इधर माइनस है, वो नीचे की तरफ से आप देख सकते हो, जिधर भी आपका कैपेसिटर का माइनस प्लस हो आप उधर की साइड लगा सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो SMP सप्लाई में भी आपको देख लेना होगा कि आपका माइनस किधर है और प्लस किधर है, तो उस हिसाब से इसमें भी लगा सकते हो, जो कि हमारे कैपेसिटर में माइनस और प्लस रहता है वो आप इस पर लगा सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे 12-0 के कनेक्शन हो चुके हैं, 12-0-12 के, ठीक है दोस्तों। तो ये वाले हमारे कनेक्शन हो चुके हैं, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये अच्छी तरीके से लग चुके हैं इसमें, तो दोस्तों ये हमारी दोनों सप्लाई है। दोनों सप्लाई में हमारे 12-12 वोल्टेज आ रही है, जो कि हमने एक उसके लिए है और एक उस, तो दोस्तों ये वाले हमारे थोड़े से गड़बड़ हो चुके हैं। तो दोस्तों ये हमारा जिधर हमारे 0 का था माइनस प्लस कैपेसिटर के आ रहे थे, वहाँ पे हमारा 12 का लगेगा ये वाला वायर, और दूसरा वाला लगेगा हमारा उस पर 0 पे, ठीक है दोस्तों। जो सके हमारा माइनस है, 0 पे नहीं माइनस, जो कि हमारा कैपेसिटर का है, क्योंकि एक तरफ रहता है हमारा माइनस प्लस, एक तरफ रहता ही है, और जो सा हमारा दूसरा है माइनस प्लस का, वो हमारे अलग अलग लग जाएंगे, जैसा कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो आपको भी सेम कनेक्शन करने हैं, अगर आपकी इसमें सप्लाई फूक जाती है तो 12-0-12 को बनाने का तरीका दोस्तों ये वाला है। तो ये हम इसने लगा लिए हैं वायर, और ये हमारा टूट चुका है, तो दोस्तों हम दोबारा लगाएंगे इस पर वायर को, ठीक है दोस्तों। तो ये वाले हम वायर को दोबारा लगा लेते हैं और फिर आपको चेक कराएंगे कि हमारे चलता है या नहीं, सक्सेसफुल होता है दोस्तों या नहीं। तो सबसे पहले आपको देख लेना होगा कि हमारे 12-0-12 के, जो कि हमारे जहाँ पे कैपेसिटर लगते हैं, या तो वहाँ लगा सकते हो, या आप वहाँ पे भी लगा सकते हो जहाँ पे आपको वो सप्लाई देनी पड़ती है, जहाँ की हमारी ट्रांसफार्मर रहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही आप इस पर लगा सकते हो 0-12 कनेक्शन करके सीरीज में, तो सीरीज में आपको लगाने होंगे ये, तो दोस्तों ये हमारे लग चुके हैं, जो कनेक्शन हो चुके हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो अब दोस्तों अब चला के दिखाएंगे आपको, तो दोस्तों हमारे यहाँ पे चल चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे चल चुका है, अभी आपको दिखाएंगे सीधा। अब पहले मैं कनेक्शन कर लेता हूँ, जो कि हमारी ये लीड है ऑडियो वाली, ऑडियो वाले लीड को लगाएंगे, क्योंकि मॉड्यूल हमने दोस्तों अलग से बना रखा है, हमने फ़ोन में जिक लगा के वो जनरेट नहीं कर रखा है। तो सीधा हम ऐसे ही कर देंगे, जो कि हमारा मॉड्यूल रहता है, मॉड्यूल में से सीधा ये दो लेंगे लीड, कि जो कि हमारी ऑडियो वाली है, ऑडियो वाली फिर हमने ये लिया, दोनों के लगा देंगे, इसके भी, होम थिएटर के भी और इसके भी, क्योंकि दोस्तों इसमें मॉड्यूल का इसमें कनेक्शन नहीं है, जो कि हमारा उसका था ऑडियो का और ब्लूटूथ का इसमें नहीं है। तो इसमें दोस्तों इस वजह से हमने अलग कर रखा है मॉड्यूल का। तो मॉड्यूल का दोस्तों ये देख सकते हो आप ऑन है बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो अब दोस्तों मैं आवाज़ बढ़ा के देख रहा हूँ, जैसे कि
अभी दोस्तों दिखाता हूँ, गाना भी हमारा चल चुका है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, गाना हमारा चल चुका है। जैसे कि गाइस मैं बंद कर रहा हूँ और चालू कर रहा हूँ, तो गाना चल रहा है अच्छी तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी हमारा चालू है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने मंदी तेज़ आवाज़ करी तो बढ़ रही है बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो हमारे अभी थोड़ी देर के लिए बंद करा था तो दूसरा गाना बदला है जैसे कि। तो दोस्तों आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छे तरीके से चल चुका है। जैसे मैं बंद और ऑफ कर रहा हूँ तो अच्छे तरीके से चल चुका है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कैमरा उतार के कि हमारे वायर सब चीज़ लग रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल सब चीज़ वही है कि बिल्कुल भी कुछ भी फेक नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आप इसका कनेक्शन कर सकते हो। अगर आपके को सप्लाई लगानी है 12012 की, तो ऐसे आप इस पर कनेक्शन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये वाली हमारी लीड जा रही है दोस्तों, देख सकते हो आप। ऑडियो वाली लीड पे हमने कनेक्शन कर रखे हैं और जैसे कि मैंने बंद कर दिया तो दोस्तों बिल्कुल हमारी तरह अच्छी तरीके से बंद हो चुका है। तो दोस्तों आप भी, अगर आपके पास ऐसी आता है होम थिएटर, कोई भी होम थिएटर आता है उसका, ये FMD का ऐप ये है हमारा होम थिएटर। तो दोस्तों इसमें ये वाली प्रॉब्लम थी सप्लाई सेक्शन की। तो दोस्तों ये हमारी पूरी हो चुकी है। तो अगर आपको 12012 का ऐसी सप्लाई SMPS सप्लाई लगानी है तो लगा सकते हो। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।